कहते हैं के चुमने में मेल भरी गगरी मोरी भर काई चैन मेरी मैं जमुना जल मरने जाती रही मैं जमुना जल भरन जाती घेर लई रोक रहो मन गट की गल भरी गगरी मोरी और काई छल भरी गगरी मोरी डर काई। आज हम इस भागमाला में राग छायानट पर चर्चा करते हैं। द्वय मध्यम तीखे सवय परि संवाद नी नाही चढ़ते उतरी गौ वक्रही छायानट बताही। राग चंद्रिका सार की इन पंक्तियों के साथ ही यह राग कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है। इसमें दोनों मध्यमों के साथ आरोह अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, अतः इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण हुई। इसका वादी संवादी क्रमशः ऋषभ और पंचम है। कोई कोई इसका वादी पंचम स्वर को मानते हैं। इसके गायन का समय रात्रि का प्रथम पहर है। अब इसका आरोह देखिए। सारे सारी रे पकड़ पर रे इस राग की उत्पत्ति छाया और नट रागु के मिश्रण से हुई है, किंतु छाया नट का रूप अपने आप में विशिष्ट है। इसमें पहले नट देखिए। सारे गम पे सारे सा और अब देखिए छाया परे गम पे गम रे सा। इस प्रकार छाया और नट के स्वर समूह इसमें लगे हैं। राग छाया नट में अलहिया बिलावल कामोद हमीर का भी आभास होता है। देखिए नानी न बसा मरे अलहिया बिलावल रे गी न कामोद न प म प ग प ग मरे हमीर। इसके बावजूद छायानट का एक अपना आनंद है। तीव्र मध्यम का अल्प प्रयोग दो पंचमों के मध्य इसमें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तीव्र मध्यम को थाट वाचक स्वर माना गया है। इससे छायानट कल्याण अंग के अंतर्गत आता है, किंतु कुछ विद्वान मध्यम का प्रयोग न कर इसे बिलावल थाट का राग मानते हैं। आरोह में राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए विवादी स्वर कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका चलन काफी बढ़ चुका है। इस राग में परे पंचम से रे को मीड़ के साथ बार बार दोहराया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। परे और ऐसा मंत्र में ना करके मध्य और तार सप्तक में ही होगा। सम प्रकृति रागों में कामोद और हमीर हैं।
अब इसके स्वर विस्तार को देखें। इन स्वरों को छोटी छोटी तानों के बाद बड़ी तान के रूप में इसकी कुछ विशिष्ट स्वर संगतियां हैं लेकर बनाते हैं। स स रे ग म प ग म रे ग म प ग म रे स स स रे ग म प ग म रे ग म प ग म रे स आ अभ्यास को रे ग म नी ल व रे ग म प ग म रे स हा सारे सारी नब मे सारे सारी नब मे सारे सारी नब मे सारे सारी आ